हाँ हमारे स्टोर में काफ़ी दवाएं हैं जो आवश्यक हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सूची में जितनी दवाएं हैं हमारे स्टोर में हैं, और जो भी CSC PSC अपनी आवश्यकता के साथ इंजन बनाती आती है उसको उतनी दवा देती है। तीसरा बिंदु जो भी जच्चा बच्चा केंद्र है हमारे यहाँ, जैसे हर CSC PSC पर स्टाफ नर्स डिलीवरी कराते हैं, और वह महिला चिकित्सा नियुक्त हैं हर जगह। हाँ लगभग जिले के स्वास्थ्य सलाहकार समिति से महिला डिलीवरी के तहत मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इनका इसके बारे में क्या कहना है? अब जो भी सरकारी अस्पतालों में 100 होते हैं उनको हम यदि ग्रामीण क्षेत्र कहा तो 100 रुपये, अगर 1400 रुपये, और शहरी क्षेत्र कहा तो उसको 100 रुपये 1000 रुपये देते हैं, और प्रत्येक महिला का वहाँ नामांकन होता है जो वहाँ प्रसव कराती है, उसका खाता नंबर लिया जाता है और उसके खाते में पैसा स्थानांतरित कर दिया जाता है, कैश और चेक की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये सुविधा मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है, सतत मिल रही है। किसके सौजन्य से सर? जी कहाँ से? ये यानी नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य मिशन के अंतर्गत ये सुविधा मिल रही है, जिसमें जिसको जननी सुरक्षा योजना का। अच्छा, उसके तहत मिल रही है। जी सर, TT इंजेक्शन के बारे में कहना है। TT महिलाएँ जाती हैं मेरे यहाँ पर्याप्त है, और बुधवार शनिवार को प्रत्येक दिवस को गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनको TT का डोज दिया जाता है गर्भावस्था में, उसके साथ आयरन की गोली भी दी जाती है, उसकी कमी हमारे यहाँ TT का नहीं है, और अगर इस तरह कोई शिकायत आती है कि बाहर से कोई लगाता है तो हम इसकी जाँच करते हैं। ठीक है।